जी हाँ दोस्तों, आप IRCTR या किसी भी ऐप से आप अगर टिकट निकालते हैं तो आपको मास्टर लिस्ट लिस्ट के बारे में जान लेना चाहिए कि मास्टर लिस्ट से क्या होता है, कितनी फास्ट टिकट निकलती है। मास्टर लिस्ट अगर आपने ऐड करके रख लिया है तो आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर आप टिकट तत्काल हो या जनरल आप बुक कर सकते हैं। तो इसमें कैसे मास्टर लिस्ट बनाया जाता है ताकि हम यूज करें और जल्दी से जल्दी अपना टिकट को निकाल सकें, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे मास्टर लिस्ट आपको बनाना है। तो आपको सबसे पहले नीचे के साइड आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट, IRCTR है। जब ऐप को ओपन कर लेंगे तो इसके बाद आपको अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद आपको जो भी लॉगिन पिन, जो जितने अंक का डिजिट पासवर्ड बनाए होंगे, वो पासवर्ड को फिल कर लेना होगा। उसके बाद कैप्चर कोड को आपको फिल कर लेना होगा। तो हम इसको फिल कर लेते हैं। तो कैप्चर कोड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा। तो उस पेज में आपको क्या करना है, तो आपका पेज लॉगिन हो गया, फिर आपको अकाउंट पे क्लिक करना होगा। अकाउंट पे आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है माई मास्टर लिस्ट, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप मास्टर पे क्लिक करेंगे लिस्ट पे, तो आप ऊपर के साइड देख सकते हैं आ रहा है कि एड पैसेंजर, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा आपको नॉर्मल ही रखना है। उसके बाद नेम आ रहा है, इस पे नेम पे अपना नाम फिलअप कर लेना है। मैं अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। नाम फिलअप करने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, तो इसमें आप डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आप डाल लीजिएगा। तो मैं वैसे डेट ऑफ बर्थ डाल लिया। इसके बाद मेल या फीमेल, तो आपको इस पे टिक कर लेना होगा। टिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आ रहा है विद परफॉर्मेंस, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नो परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको जो भी सीट अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। नहीं तो आपको लोअर चाहिए तो लोअर पे आप टिक करिएगा। तो मुझे नो परफॉर्मेंस चाहिए, तो इस पे आप मैं क्लिक कर देता हूँ। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि लिखा हो रहा है ID कार्ड टाइप, तो इस पे आपको कुछ भी नहीं फिलअप करना है, किसी भी आईडी कार्ड नहीं लगाना है। इस कोई कंपलसरी नहीं होता है, नहीं तो आपका लंबा समय लग जाएगा। टिकट आपको फर्स्ट बुकिंग करना है तो आपको इसमें कोई आईडी कार्ड आपके नहीं देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एड पैसेंजर आ रहा है, एड पैसेंजर पे आपको क्लिक करना है। तो आपका यह है मास्टर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर मेरा नाम आ गया। तो अब इसका यूज कैसे करते हैं इसके बारे में भी बता देते हैं कि कितना फास्ट ये काम करता है। तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद कोई भी ट्रेन टिकट के बारे में चेक करना है, तो मान लीजिए मैं इसी डेट को चेक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है। जैसे सर्च यहाँ अवेलेबल है 9 फरवरी को 3 3rd AC में, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको ओके कर देना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मास्टर लिस्ट शो हो रहा है। जिस पे आप चाहते हैं डायरेक्ट आप इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से अब आप फास्ट टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस। कोई भी दिक्कत होता तो आप कमेंट करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।